मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद है उनकी जरा याद करो कुर्बान। मैं आपसे जो अभी है who are now in our army and whoever are there who are, and people like you who think like you, उनके लिए एक strong गाना भी बोलना चाहती हूँ। थोड़ा माहौल emotional हो गया है तो थोड़ा happy करते हैं। Yes, so this is my song from Chalte India, which will put all sorts of great strength in all of you. So jagata hai jo ye jo ho gaya, mana kamata hai jo ye jo ho gaya, chhutki se kar do hai hum do dushmane. ऐसा ही हो जैसे आप सोचते हैं यार। तो उसके लिए पूरा देश उनके प्रति नमन करता है। और उनका ये जो सैक्रिफाइस है वो हम कभी भूलेंगे नहीं। सैल्यूट करते हैं, आखिरी सैल्यूट वही होता है, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। शायद बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरा सोचना गलत होगा, लेकिन मेरी सोच में ऐसा है कि जब शहीद लोग गुजर जाते हैं हमारे लिए सरहद पे लड़ के हमारे लिए जान देते हैं, तो उनकी हम लोग याद करना चाहिए, हमेशा उनको अमर रखना चाहिए, ताकि वो हमारे फैमिलीज को सिक्योरिटी देके गए, हमारे हम लोग सब लोगों को एक प्रोटेक्शन देके गए, कि आप लोग भी जो है ना शहीदों का जज्बा रखो। हर हिंदुस्तानी में एक शहीदों का जज्बा होना चाहिए, कि सेल्फिश जो है ना बहुत लोग मतलब ये करते ही हैं, तो सेल्फिशनेस को हटा के एक दूसरे को हम लोग साथ देना चाहिए। तो भगवान भी यही बोलता है, भाई तुम लोग नीचे एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहो, नीचे मुझे नीचे आने की जरूरत नहीं है। Just about him, he is ex-Indian Navy, put around 40 years of, so he is the one of the few persons who are... कहीं होने के पहले हमारा एक ही मोटो होता है, ये मरने के पहले कम से कम दो चार को मार के तो मर। लड़ाई के अंदर जिस तरीके से गर्भवती होती है सर, आप लोग को कुछ भी नहीं पता है। जो चीज हम देखते हैं, जो चीज मैंने अपने 21 ईयर्स की उम्र में देखा था, शायद मैं उसको अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं भूल सकता। जिस तरीके से मैंने लड़ाई में देखा, लड़ाई में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, बहुत ही खतरनाक। सिर्फ यादें हमारे साथ में हैं, उनको याद करके और आप लोगों को थोड़ा सा कहानी सुना करके हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। एक ही चीज़ याद रखना, जब तक हमारा हिंदुस्तान की फौज मजबूत है, तब तक कोई हमारा पांच मार कर नहीं कर सकता। हमारे रिटायर्ड फौजी आदमी आते हैं, प्लीज उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी आदर कीजिए, उनकी ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन पवन गुजरात और महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में चालन किया था, उसमें मैंने सहभाग लिया है। सर ने तो बोला, आप लोगों को श्रीनिवास सर ने तो बोला ही है कि वहाँ के टाइम क्या होता है, कैसी सिचुएशन होती है। उसके बाद में एलटीडी एरिया में ताशा ऑपरेशन में काफ़ी साल तक किया, जो कि श्रीलंका बॉर्डर में कोस्टल एरिया में होता है, नागापट्टनम कुछ लोगों को मालूम होगा, वेलांगनी वगैरह उस एरिया में। और जब हमारा कारगिल वार चल रहा था, तो हम लोग जोशी सर को तो मालूम ही है कि हम लोग एक्चुअली पिक्चर में इंडियन नेवी का रोल नहीं आया उस समय, लेकिन इंडियन नेवी ने पूरा पाकिस्तान का
हुक्का पानी बंद कर दिया, इसलिए वो जल्दी घुटने पे आया। बहुत लोगों को कम लोगों को 31 ships उधर ऐसे पेट्रोलिंग करते थे, पाकिस्तान के भी जहाज संबंधित रहती थी, हम लोग भी रहते थे, पूरे गन लोडेड रहते थे, गन बोला तो बड़े बड़े तोप मिसाइल्स सब ऑपरेशनल, ओनली एक क्लिक करने के बाद मिसाइल्स बाहर निकल सकती थी। लेकिन पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम था कि 71 में कराची का क्या हालत हुआ था, इसलिए उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की। उसके बाद उन्होंने सरेंडर ही कर दिया, हम लोग सब लोगों को मालूम है। तो बस मेरा यही कहना है, आप सब लोगों ने हम लोगों को बुलाया, वीर नारी वीर माता और हम एक सर्विसमैन को इतना बड़ा रिस्पेक्ट लिया, तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद। हमें यहाँ फेलिसिटेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आपको हमारी भी उम्र लग जाए, ठीक है। वैसे मैं कारगिल वॉर में था, देन ऑपरेशन कवर श्रीलंका में था, और 2-3 ऑपरेशन थे इंडोनेशिया और उस साइड में, उसमें भी था। तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि ये जो भी आज लाइफ हम देख रहे हैं, इट इज़ अ बोनस लाइफ बेसिकली, तो इसलिए ये बोनस लाइफ कभी भी लोगों को हेल्प करने में जानी चाहिए, ये मेरा मानना रहता है। तो इसलिए जो भी मेरे पास आते हैं मैं कभी उसको नहीं नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे फेलिसिटेशन किया आप लोगों ने, और डिलेलो में हम शी इज वेरी काइंड एट हार्ट, ठीक है, मैं बता दूँ आपको, अगर किसी को पता नहीं तो। देखिए MLA के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इतना देर यहाँ पे बैठी रही, लेकिन उन्होंने गलती से भी नहीं बोला कि मैं जाती हूँ। आयोजन इस कमेटी को देने की धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम भरोसा करते नेपाल और इंडिया एक भाईचारा, जैसे हम गोवा में रहते भी इंडिया और नेपाल का संबंध और प्रयास कराने का कोशिश करेंगे। मुझे मिनिस्टर है, मैं वहाँ से बात करूँगा और मैंने बारे में सब बताया और पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन वेयर वी आर फेलिसिटेटिंग द मार्टर्स। Really so heart touching and warming when it comes to our soldiers, whether army, navy, air force, when they move out from their house to serve the country, they take along with them that coffin. You have to remember that they, when you move out, not their luggage, in the luggage is the coffin. And what's the best prize what you can give is your self, is your life, which you cannot even measure, immeasurable and invaluable. That's what. And our words are not enough to thank them. Our words will never be enough, our felicitations will never be enough for the ultimate sacrifice of their life. And just now what is being said, you know, just so young, 21 years, 16 years, 18 years, poor thing. They, at least now the technology has been advanced so much, but even technology, whatever, as just said by one of our felicities, you know, you just don't know when you will go down in your grave. So you have never met the person who is on the other side. You don't
because of our differences as far as you know borders are concerned, all because of differences as far as religion is concerned, all because of differences or you know being human is what our top politicians are the top leaders of the world should you know that should be the focus, being human. And you know this concept should be taken as said by Baba Anand Joshi, you know, to the schools where our youth they are so much involved the time in their mobile only and social media and all that crap. They should know more to respect here our soldiers. So next time I fancy, every year me as an MLA I felicitate all my students, those who pass SSC 12 graduate. Next year I will see that it is happens in surely confidence. Yes. Let's at least start there and we felicitate this heroes, our greats in front of the youth. And then only they will feel that, otherwise our country also have seen youth they're only applying for these LTC jobs and MTS jobs. it's there. You know, every year so many graduates go on passing and it's there. So here is another big step where our youth can join the naval forces, the army, the air force. And someone has to guide them. And no other better person than our ex-servicemen. You know, when they see, they realize that there is another opening. Especially the parents have to, you know, open their doors for their kids to go there and serve our country. So, hats off to our heroes.